नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। साल 2019 ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी मंदी भरा रहा है और उसी का असर इस साल के पहले दो महीने में गाड़ियों की सेल्स फिगर्स में देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी सारी उथल पुथल हुई है। कई सारी गाड़ियों की पोजिशंस में बदलाव देखने को मिले हैं और कुछ तो टॉप 20 की लिस्ट से ही बाहर हो गई हैं, वहीं कुछ न्यू एंट्रीज ऐड हुई हैं। तो चलिए जानते हैं फरवरी में बिकने वाली टॉप 20 बेस्ट सेलिंग हैचबैक्स के बारे में। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 20वें नंबर पर आने वाली गाड़ी का नाम है डैटसन गो प्लस। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 60 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,12,292 रुपये से लेकर 6,80,153 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 19वें नंबर पर आती है डैटसन की गो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 98 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,74,990 रुपये से लेकर 6,18,015 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 18वें नंबर पर आती है फोक्सवैगन की पोलो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 144 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,82,000 रुपये से शुरू होकर 9,90,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 17वें नंबर पर आई है डैटसन की रेडीगो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 513 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 2,79,650 रुपीज़ से शुरू होकर 4,37,065 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 16वें नंबर पर आती है फोर्ड की फिगो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 1,003 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,39,000 रुपीज़ से शुरू होकर 7,85,000 रुपीज़ तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 15वें नंबर पर आती है फोर्ड की फ्री स्टाइल। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 1,004 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,89,000 रुपीज़ से शुरू होकर 8,19,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में 14वें नंबर पर आई है टोयोटा की ग्लांजा। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 2,710 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,04,800 रुपये से शुरू होकर 8,99,800 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 13वें नंबर पर आती है टाटा की अल्ट्रोज। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 2,806 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,29,000 रुपये से शुरू होकर 9,34,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 12वें नंबर पर आई है मारुति की इग्निस। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 2,912 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,89,320 रुपीज़ से शुरू होकर 7,19,898 रुपीज़ तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 11वें नंबर पर आती है टाटा की टियागो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 3,921 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,60,000 रुपये से लेकर 6,60,000 रुपये तक मिल जाती है। अब बात करते हैं टॉप 10 लिस्ट की। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर आई है रेनो की क्विड। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 4,187 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,02,290 रुपये से शुरू होकर 5,11,190 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 9वें नंबर पर आई है ह्युंडई की सेंट्रो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 4,200 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,57,490 रुपये से लेकर 5,98,490 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 8वें नंबर पर आई है मारुति की सेलेरियो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 6,104 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,46,200 रुपये से शुरू होकर 5,63,201 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 7वें नंबर पर आई है ह्युंडई की i20। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 8,766 यूनिट्स बिकी हैं।
एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 559,693 रुपीस से शुरू होकर 941,003 रुपीस तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में छठवें नंबर पर आती है मारुति की एंट्री लेवल सेगमेंट की एस्प्रेसो। फरवरी के महीने में इसकी 9,578 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 370,500 रुपये से शुरू होकर 499,000 रुपये तक मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में पांचवें नंबर पर आई है ह्यूंडई की ग्रैंड i10 नियोस। फरवरी के महीने में इसकी पूरे भारत में 10,407 यूनिट बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,05,000 रुपये से शुरू होकर 8,04,500 रुपये तक मिली। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में चौथे नंबर पर आई है मारुति की बलेनो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 16,585 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,63,602 रुपये से शुरू होकर 8,96,112 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में तीसरे नंबर पर आती है मारुति की ऑल्टो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 17,921 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 2,99,800 रुपये से शुरू होकर 4,41,300 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में दूसरे नंबर पर आई है मारुति की वैगन आर। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 18,235 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,50,500 रुपये से शुरू होकर 5,99,800 रुपये तक की मिल जाती है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं उस गाड़ी के बारे में जो फरवरी के महीने में पूरे भारत में नंबर वन पर आई है, वो है मारुति की स्विफ्ट। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 18,696 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,84,000 रुपये तक की मिल जाती है। कुल मिलाकर ये थी वो हैचबैक कार्स जो फरवरी के महीने में टॉप 20 की बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल हुई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।